कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जैसा कि आपको पता है, दो दिवसीय कार्यक्रम झारखंड में चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में त्रिपुरा के सांसद आए हुए रेवाड़ी जी। आइए उनसे पूछते हैं इस कार्यक्रम में उनके अनुभव क्या है। वह पहली बार आए हैं झारखंड की धरती पर या इससे पहले भी आ चुके हैं? सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। बताइए अपना अनुभव कैसा रहा इस कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। शुरू मैंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा देकर शुरू किया, फिर यहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी का जो एक क्रिकेट स्टेडियम है वो भी देख लिया, बहुत बढ़िया बनाया। और महेंद्र सिंह धोनी जी तो मेरा फेवरेट ये भी प्लेयर भी है, क्रिकेटर। और रहा जनजाति मोर्चा ये कार्य समिति बैठक का, देखिए जनजाति मोर्चा इंडिया में जितना जनजाति है, जितना जनजाति समाज है, सबको लेकर चलने वाला एक मोर्चा है। जनजाति मोर्चा चाहते हैं कि इंडिया में जितना जनजाति है, इनका जो कल्चर है, कल्चर डाइवर्सिटीज, और इनका एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, ये सब में डेवलपमेंट आए और शिक्षित बने। देखिए जब इंग्रेज़ों के ज़माने में फ्रीडम फाइटर जैसे कि बिरसा मुंडा जी से लेकर बहुत सारे, लेकिन एक समय ये हुआ कि इन लोगों को इन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ने के लिए सरकार ने ऐसे कुछ व्यवस्था भी नहीं की। हिस्ट्री में इन लोगों को कोई स्थान नहीं दिया गया। जैसे बिरसा मुंडा भगवान के ही बारे में बोलेंगे तो झारखंड के लोग ज़्यादा जानते हैं, पर विस्तार बस विस्तार से इंडिया का लोग नहीं जानता। तो हम लोग चाहते हैं ऐसे बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामी जितना भी है जनजाति खास करके, इन लोगों को सभी जाने पड़े और स्वाधीनता संग्राम की जो रोल निभाए थे इससे बारे में सबको पता हो। सर, एक सवाल था आपसे। जिस तरह से कोरोना का दूसरी लहर हमारे देश में पूरा उथल पुथल हो गया था, दो दिन पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट पाया गया मोदी जी के नेतृत्व में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये इन्होंने करके दिखाया। 100 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देना, वो अगर आप यूरोप और अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो देखिए वहाँ यूरोप अमेरिका में एक यहाँ एक देश और वहाँ पूरा कॉन्टिनेंटल जितना भी ये है, तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री देना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी जी के लिए। और पूरा देश ने खास करके जो कोरोना वॉरियर इन लोगों ने करके दिखाया, इसी वजह से ये संभव हुआ। मैं खास करके नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, और स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य के जो हेल्थ मिनिस्ट्री, और पूरा इनके साथ जुड़ा हुआ नर्स, डॉक्टर्स, जितना भी पुलिस हो, कोरोना वॉरियर, सबको मैं पूरा देशवासियों की तरफ से और त्रिपुरा वासियों की तरफ से मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। तो हमारे साथ थे त्रिपुरा के सांसद, तो उन्होंने देखिए अपना सारा अनुभव शेयर किया। उनका कहना है कि मोदी का जो विजन है लोगों और सच्चे को जागरूक करना, और जिस तरह से 100 करोड़ का वैक्सीन सभी लोगों को दिया गया, पर देखिए यह जो सारा श्रेय देखिए खुद नहीं ले रहे हैं, पर ऐसे कोरोना वॉरियर्स को श्रेय दे रहे हैं जो कि ग्राउंड पर जाके लोगों को वैक्सीनेट किए हैं। तो आपने सुना इनका क्या कहना है। तो हमारे साथ बने रहें और आप देखते रहें देसी।